बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का जो शब्द था उसको याद करने के लिए पढ़े थे ना, तो वो याद है कि नहीं लिख मैसेज कर कीजिएगा। लेकिन अब आइए इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर है ना, अभ्यास है, उसको हम लोग देखते हैं। कर शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्नानी पुर्यत, शुद्ध विकल्प चुनकर, शुद्ध ऑप्शन चुनकर और खाली स्थानों को पूरा करना है। तो स्त्रीलिंग शब्द ये खाली स्थान है, जाति के शब्दों का बोध कराते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराते हैं। उसके बाद आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द क्या होते हैं? प्रायः का मतलब अक्सर, मतलब ज़्यादातर स्त्रीलिंग ही होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द यह स्थान है, खाली स्थान वचनों में होते हैं। तो कितने वचनों में? तीनों वचनों में होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द तीनों वचनों में होते हैं। रमा शब्द का द्विवचन है, तो रमा शब्द का द्विवचन क्या है? रमे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदानाम अर्थम प्रदत्त विकल्पेभ्य चिन्हित, निम्नलिखित पदों का अर्थ विकल्पों से चुनिए। तो देखिए, छात्रा शब्द दिया है, तो छात्रा शब्द का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी। और वो विद्यार्थी में भी स्त्रीलिंग शब्द में लड़की है ना, अगर लड़का होता तो क्या होता? छात्र। सेविका यानी इसका क्या होगा? नौकरानी। चटका, चटका का मतलब क्या होता है? गौरैया यानी चिड़िया है, छोटी चिड़िया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चिड़िया। निशा, निशा का मतलब क्या होता है? रात। भार्या, भार्या का मतलब क्या होता है? पत्नी। और मूषिका का चूहिया। उसके बाद अगला है कि अधोलिखित विकल्पेभ्य लिंग स्त्रीलिंग पदानि चित्वा लिखत, ये जो नीचे लिखे गए जो शब्द हैं इसका स्त्रीलिंग शब्द चुनकर नीचे लिखना है। इसमें पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, लेकिन हमको क्या लिखना है? स्त्रीलिंग शब्दों को ही चुनकर लिखना है। जैसे शिक्षिका, मधुमक्षिका, गीते, यमुना, सरिता, नायके, ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग है। इसमें से जो पुल्लिंग शब्द हैं उन शब्दों को छोड़ दिया गया है और स्त्रीलिंग शब्दों को लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दान वचन अनुसारेण पृथक स्तंभेशु लिखत, निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार ना, स्तंभ का है तो एक खंड में अलग अलग लिखना है। तो एक वचन का जो शब्द है उसको एक वचन में लिखेंगे, द्विवचन का जो शब्द है उसको द्विवचन में लिखेंगे और बहुवचन का जो शब्द है उसको बहुवचन में लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है चटका, तो चटका शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसको बहुवचन में लिखा गया है। अजा, अजा शब्द स्त्रीलिंग का एक वचन है, इसको एक वचन में लिखा गया है। पाठशाले, तो पाठशाले शब्द स्त्रीलिंग का द्विवचन है, इसको द्विवचन में लिखा गया है। मूषिका, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसको बहुवचन में लिखा गया है। गोशाला, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसको बहुवचन में लिखा गया है। मक्षिके, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है, इसको द्विवचन में लिखा गया है। यमुना, ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, एक वचन में लिखा गया है। सेविके, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन में है, इसको द्विवचन में लिखा गया है। वर्षा, ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, एक वचन में लिखा गया है। चटका, ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, एक वचन में लिखा गया है। और नायके, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है, द्विवचन में लिखा गया है। नौका, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसको बहुवचन में लिखा गया है। उसके बाद है ये जो शब्द दिया गया है कि उदाहरण अनुसारम उचित मेलनम कुरु, उदाहरण के अनुसार सही मिलान करना है। तो इस ये पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो प्रिया शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिया। ये क्या दिया हुआ है, यानी ये इसका दो नंबर है, इसके यहाँ हम दो लिख देते हैं। उसके बाद सेवका शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेविका, इसको हम चार नंबर में किए हैं, चार नंबर लिख देते हैं। बालका शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, ये पाँच नंबर में है, यहाँ पाँच नंबर लिख देते हैं। उसके बाद है अध्यापका, अध्यापका शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिका शब्द एक वचन एक में है, एक नंबर यहाँ लिखें। अनुजा, अनुजा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा, यहाँ अनुजा को, यहाँ हम कितने नंबर को लिखेंगे?
छः नंबर को लिखेंगे, ये सिक्स नंबर है। शिष्य का स्त्रीलिंग यहाँ क्या होगा, शिष्य, ये थ्री नंबर में है ना। उसी तरह ये जो शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग शब्द हैं, इनका स्त्रीलिंग बनाना है। अब देखिए गायिका का स्त्रीलिंग क्या होता है, गायिका। छात्रा का स्त्रीलिंग छात्रा। वृद्धा का स्त्रीलिंग वृद्धा। मूषकः का स्त्रीलिंग मूषिका। और नायिका का स्त्रीलिंग नायिका। शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका होता है। चलिए ये पाठ जो है इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग किए, इसका क्वेश्चन आंसर याद करके और फिर जो है जो एमकेडी का साइट है उस पर भेजिएगा।